हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईएस राघव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून करंट अफेयर। 19 जून में जो भी देश और विदेश में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई होंगी उनको आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं हम सीधा वीडियो पर। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए 50 लाख, बी 70 लाख, सी 80 लाख और डी 90 लाख। तो चारों में से आपको अपना सही उत्तर गैस करना है फ्रेंड्स। देखिए, काफ़ी अच्छी ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही इस समय 25 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो सही उत्तर है आपका ए 50 लाख रुपए। जो राशि अभी तक 25 लाख रुपए दी जाती थी सेना में या अर्धसैनिक बल में, जो भी देश का जवान देश के लिए शहीद होता था तो उनके पत्नी या आश्रितों को जो राशि अब दी जाएगी वह 50 लाख रुपए। काफ़ी अच्छा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा। आप सब जानते होंगे, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचनांक WCI रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए मालदीव, बी सिंगापुर, सी इंडोनेशिया और डी भारत। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचनांक WCI रैंकिंग में, तो सही उत्तर है आपका बी सिंगापुर को। सिंगापुर को इसमें प्रतिस्पर्धात्मक सूचनांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, चलिए हम आपको आगे की वीडियो में अभी दिखाएंगे। जब तक हम सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं, राजधानी सिंगापुर नगर, मुद्रा या सिंगापुरी डॉलर ही चलता है और राष्ट्रपति सेलम्पन रामनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। भारत ने नेपाल में जारी तनाव के बावजूद यहां जिस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है, तो वह कौन सा मंदिर है फ्रेंड्स। यानी देखिए, आप सब इस समय समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज के माध्यम से जानते ही होंगे कि भारत सरकार और नेपाल के बीच इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो फिर भी उसके बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर जो मंदिर परिसर है वहां 2.33 करोड़ रुपए के निवेश की निवेश करने की इच्छा जताई है और उस लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता भी केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जताई गई है। तो वह कौन सा मंदिर है, ए मुक्तिनाथ, बी तुलसी श्रीनगर, सी पशुपतिनाथ और डी पथीवरा। तो चारों में से सही ऑप्शन है आपका सी पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर को 2.3 करोड़ रुपए की लागत से वहां स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता भारत सरकार ने जताई है। नेपाल सरकार के द्वारा वहां इतनी, इस हिसाब से पशुपतिनाथ पर खर्च नहीं किया जाता है, जबकि नेपाल सरकार का एक तरह से आप मान सकते हैं पशुपतिनाथ को टूरिस्ट एरिया नेपाल सरकार के द्वारा है। बहुत ही भारतीय लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाते हैं, काफ़ी मान्यता है भारतीयों में पशुपतिनाथ को लेकर। चलिए थोड़ा सा हम नेपाल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी
काठमांडू, मुद्रा वहाँ भी रुपया ही चलता है और प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। विश्व परिवार प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व परिवार प्रेषण दिवस, जैसा कि आप सब जानते हैं जितने भी दिवस होते हैं यह किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी एक या दो नंबर की आने की प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में रहती ही है। तो चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने, ए 13 जून, बी 14 जून, सी 15 जून और डी 16 जून। तो सही उत्तर आप सब ने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है डी 16 जून। 16 जून विश्व परिवार प्रेषण दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? यानी देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और खेल मंत्रालय ने भी, दोनों ने मिलकर स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फिल्मों की श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 10, बी 12, सी 13 और डी 14। तो कितनी फिल्मों की श्रृंखला बनाने का यहाँ निर्णय लिया गया है? तो सही उत्तर है आपका ए 10। ऐसी उन्होंने विशेष फिल्मों की एक 10 फिल्मों की श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचनांक 2019 WCI रैंकिंग में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसमें जो शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है यानी प्रथम स्थान जिसको प्राप्त हुआ है वह है सिंगापुर। ठीक है, और भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वह आपको बताना है। तो ए 42, बी 43, सी 45 और डी 46। तो सही उत्तर आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है बी 43वां स्थान। इस वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचनांक में सिंगापुर को प्रथम और भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? ठीक है फ्रेंड्स, तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो चारों में से सही ऑप्शन आप सबने अपना गैस कर लिया होगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक FDI को लुभाने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये है फ्रेंड्स सी 9, यानी भारत 9वें स्थान पर रहा था संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार FDI को लुभाने में। FDI की फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए 14 जून, बी 15 जून, सी 16 जून और डी 17 जून। तो सही ऑप्शन आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही ऑप्शन है डी 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फीफा के द्वारा जून में जारी
फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में जिस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन सी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बेल्जियम, बी सिंगापुर, सी ब्राज़ील और डी स्पेन। तो चारों में से आपको अपना सही उत्तर गैस करना है फ्रेंड्स, जो कि फीफा के द्वारा जून में ही फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग निकाली गई है उसमें किस देश का प्रथम स्थान है। तो सही ऑप्शन है आपका ए बेल्जियम। बेल्जियम को फुटबॉल की इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, मुद्रा यूरो चलती है यहाँ पर, प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल और राजा फिलिप, यहाँ अभी भी राजा का शासन चलता है तो उनके राजा हैं इस समय फिलिप। ठीक है फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में जिसने बेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है तो वह कौन है? ए बिपिन नारंग, बी अनमोल नारंग, सी अशोक मेहता और डी प्रदीप मेहरा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला ऐसी कौन है जिन्होंने अमेरिकी की सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? तो सही ऑप्शन है आपका बी अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने अमेरिका की सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आप अपनी स्क्रीन पर इनको देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे हम आपसे कल की वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।